आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोलकाता के आरजूकर मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर की साथ दुष्कर्म और उसके बाद हुई हत्या के विरोध में देशभर के डॉक्टर्स आज प्रदर्शन करें। आईएमए ने रेजिडेंट डॉक्टर के लिए काम के बहिष्कार का ऐलान किया। राजस्थान में भी अजमेर, कोटा, चूरू, करौली और डूंगरपुर में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। जगह जगह सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। वही प्रदर्शन में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ गई है। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि रिक्शा सवार युवक ने स्कूटी सवार युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में स्कूटी सवार एक युवक की हालत बिगड़ी और उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। इसके बाद पीड़ित युवक के परिवार वाले शास्त्री नगर थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस बीच वहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और विधायक गोपाल शर्मा के बीच धक्का मुक्की होती नजर आ रही है। राजस्थान के भरतपुर जिले में 19 से 26 अगस्त तक लोहागढ़ स्टेडियम में सेना में अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इसके चलते सेना के अधिकारियों के जरिए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण मैदान के अंदर और बाहर पानी जमा हो गया। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण समय रहते बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसके कारण अब जवानों ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए पानी की निकासी करना शुरू कर दिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शनिवार को उदयपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी करने वाले 10वीं कक्षा के छात्र के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। ये कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण की उस जांच के बाद की गई, जिसमें आरोपी छात्र का मकान अवैध तरीके से वन भूमि पर बनाए जाने का खुलासा हुआ था। इस संबंध में 24 घंटे पहले ही क्षेत्रीय वन विभाग ने नोटिस जारी किया था और परिवार को 20 तारीख तक मकान खाली करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उदयपुर हिंसा की घटना पर कहा, ये चिंता का विषय है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार को इसकी जड़ तक जाना चाहिए, इससे सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि शांति बनाए रखनी चाहिए, हिंसा किसी चीज का विकल्प नहीं है। सरकार को इस प्रकार की घटनाओं से सख्ती से निपटना चाहिए और तफ्तीश करनी चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरी दिल्ली मेरा परिवार है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने भाइयों और बच्चों से मिल रहा हूं। हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं ठीक हूं और वो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की प्रार्थना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही रिहा हो जाएंगे। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया। राउस एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने के मामले में 24 अगस्त को फैसला सुनाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला किया। मंत्रालय ने आदेश दिया कि डॉक्टर के साथ किसी भी तरह की हिंसा होने के 6 घंटे के भीतर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को एफआईआर दर्ज करवानी होगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान, 4 अक्टूबर को मतगणना पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हर हरियाणावासी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, हरियाणा की जनता चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी कि कब उन्हें इस भाजपा सरकार से छुटकारा पाने का मौका मिलेगा। इस मौके पर हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मुद्दा घोटाले में सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, 1 अगस्त को हमने कैबिनेट बैठक की और राज्यपाल से निर्णय वापस लेने की मांग की। हमने उन्हें ये भी बताया कि कोई शिकायत नहीं है, शिकायत को खारिज करके योग्यता और लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।